करेंगी ना साहब, क्योंकि ये चर्चा लगा। देखिए जनता हमारा मालिक है, सिवान जिला जिस ओर जाएगा आपकी हिना उस ओर जाएगी। हिना शहाब का ये बयान आया और कयास लगाए जाने लगे कि मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी एनडीए में शामिल हो सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, हिना शहाब जब नामांकन करने पहुंची तो उस वक्त की एक और तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें उनके आसपास के लोग भगवा गमछे ओढ़े नजर आ रहे हैं। इसके बाद हिना शहाब का एक और तस्वीर चर्चा में आया, जिसमें वो माता की चुनरी ओढ़ के लोगों के बीच पहुंची थी। ऐसे में सवाल खड़े होने लगे कि हिना शहाब जो सिवान लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनावी मैदान में खड़ी हुई थी, वो क्या अब एनडीए से हाथ मिला सकती हैं? एक तरफ जहां इन सबको लेकर चर्चाएं तेज हैं, वहीं दूसरी तरफ हिना शहाब ने इसको लेकर मीडिया के सामने एक बयान जारी किया है। क्या कहा है सुनिए। टुकड़ों में बटे थे, मैंने सबको एक करने की ठानी है, इसलिए सिवान जिला हमारा है। मैं इस स्वागत को हमेशा याद रखना चाहती हूँ, हमेशा, और इनके विश्वास को भी मैं हमेशा जीतना चाहती हूँ। और इस जिन सभी लोगों ने जो मुझ पर विश्वास जताई है, उस विश्वास को मैं हमेशा कायम रखूँगी इंशाल्लाह। जी एनडीए गठबंधन में जाएंगी मैडम, बड़ी सवाल है, क्या माना जाए जीतने के बाद एनडीए गठबंधन में जाएंगी हिना साहब, क्योंकि ये चर्चा लगा। देखिए जनता हमारा मालिक है, सिवान जिला जिस ओर जाएगा आपकी हिना उस ओर जाएगी। आपको बता दें कि सिवान से एनडीए की तरफ से विजय लक्ष्मी कुशवाहा, तो वहीं महागठबंधन से अवध बिहारी चौधरी चुनावी मैदान में उतरे हैं। और अब हिना शहाब का ये बयान और इस तरह की तस्वीर कई सवाल खड़े कर रहा है। ऐसा नहीं है कि हिना शहाब इसको लेकर पहली बार मुखर हुई हैं। इससे पहले भी सिवान लोकसभा सीट से आरजेडी का टिकट नहीं मिलने पर दिवंगत नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब का दर्द छलका था। उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि उनके पति ने आरजेडी को जमीन से आसमान तक पहुंचाने का काम किया, आज उनके जाने के बाद सभी लोग बदल गए, उनके परिवार को ही इग्नोर किया जा रहा है। बता दें कि हिना शहाब मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हैं और वो सिवान लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रही हैं। जब तक शहाबुद्दीन जीवित थे, तब तक आरजेडी ने हिना को सिवान से टिकट देकर चुनाव लड़ाया। वहीं अब शहाबुद्दीन के न रहने पर हिना के बदले पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी को आरजेडी ने सिवान लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। एक नजर सिवान लोकसभा सीट पर भी डाल लेते हैं। दरअसल सिवान बिहार की सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है। मोहम्मद शहाबुद्दीन 4 बार लोकसभा का चुनाव जीते हैं यहाँ से। एक बार वो जनता दल के टिकट से चुनाव जीते, बाकी 3 बार लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी से चुनाव जीते। 2019 के चुनाव में आरजेडी ने शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब को अपना उम्मीदवार बनाया था। सिवान लोकसभा क्षेत्र से अभी जनता दल यूनाइटेड की नेता कविता सिंह सांसद है। कविता सिंह ने आरजेडी के उम्मीदवार और शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब को हराया है। हालांकि 2021 में मोहम्मद शहाबुद्दीन की मौत के बाद सियासी हवा बदलने लगी, तो आरजेडी ने भी हिना शहाब के परिवार से दूरियां बढ़ा ली और अब सियासी गलियारे में चर्चा है कि हिना शहाब एनडीए का दामन थाम सकती है। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं, और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।